नमाज के बाद यहाँ एक ब्लास्ट जो हुआ, तो आज एक रैली प्रेस क्लब पे आई थी जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बारे में थी, और वो रैली प्रेस क्लब पहुँच चुकी थी और उस रैली के लिए सिक्योरिटी लगाई गई थी, और ये उसका एक आउटर कॉर्डन था जहाँ ईगल और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मिल के तो आउटर कॉर्डन लगाया था, और इनको एक यंग आदमी बच्चा तकरीबन यंग एज का, जो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वो आया और उसको इन्होंने रोका, और वो उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वो उसने रुकने की बजाय आगे जाने की कोशिश की, तो इसको उन्होंने स्ट्रगल करके तो उसको इन्होंने रोका, गिराया, और गिरते ही उसने अपने आप को वो डिटोनेट कर लिया, जिससे हमारे भी दो बंदे वो जो जिन्होंने रोका पुलिस के ईगल के वो शहीद हुए। एक उसमें से हमारे एक DSP साहब का ड्राइवर है और एक लेवीज़ का हमें अभी तक मालूम हुआ है, वो तीन बंदे इस तरह हमारे वो फोर्सेस के शहीद हुए, और जो चार लोग हैं वो सिविलियन जो हैं वो इसमें शहीद हुए, और तकरीबन 15 लोगों की हमारे पास रिपोर्ट है, कहीं प्रेस में ज़्यादा भी आ रहा है, हो सकता है बाद में हॉस्पिटल पहुंच जाएं, 15 लोगों की इसमें इंजरीज हुई हैं, तो सारे के सारे सिविल हॉस्पिटल में गए हैं और वहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम और सारा, और हमारी CTD और FC और हमारी स्पेशल ब्रांच और बाकी हमारे जितने अफसरान हैं वो क्राइम सीन और सिक्योरिटी के बारे में यहाँ मौजूद ही हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। तो शहीद होने वाले पुलिस एहलकार भी हैं जी, दो उसमें हमारे हैं और एक हमें लेवीस का बताया जा रहा है, और एक ट्रैफिक और एक ईगल का बंदा ज़ख्मी भी हैं, 15 लोगों में पुलिस के दो ज़ख्मी भी हैं। शोहदा में शोहदा में हमारे दो हैं और एक ईगल के, एक उसमें लेवीस के बताए जा रहे हैं, तो ये है सिचुएशन, इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम बताएंगे फिर जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी। तो ये हमारे लोगों की एक कारकर्दगी है, उन्होंने हिम्मत से रोका है उसको आइडेंटिफाई भी किया है कि ये बंदा मशकूक है और उसको रोका है, और अपनी जान की कुर्बानी दे के तो उन्होंने इसको आगे जाने से रोका है। तो उसका टारगेट वही है, हम ये समझते हैं कि उसका जो आगे और कोई चीज़ थी नहीं, आगे रैली ही थी, रैली ख़त्म हो चुकी थी, नमाज़ पढ़ रहे थे, लेकिन और कोई टारगेट आगे बनता नहीं है, तो इस वजह से, लेकिन बाकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये ज़रा बाद में फिर सही तरह पता लगेगा, अभी तक हम यही समझते हैं कि जो रैली थी उधर ही इसके जाने का इरादा था।